नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूँ फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूँ, उस कंपनी का नाम है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है, इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी GR देवी नगर कासगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को 1226.87 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी देवी नगर बाईपास से कासगंज बाईपास तक फोर लेन हाईवे को बनाने का काम करेगी, और ये ऑर्डर ये कंपनी 730 दिन में पूरा करेगी और इस 15 सालों तक इसके कमर्शियल ऑपरेशन का काम संभालेगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। एक साल पहले इसका शेयर 1238 का था और अब 1536 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये कंपनी रोड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। ये कंपनी रोड हाईवेज प्रोजेक्ट्स के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है इंडिया की 15 स्टेट्स में। ये कंपनी रोड सेक्टर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को करती है EPC और BOT बेसिस पर। ये कंपनी अपना डेब्ट भी लगातार कम करती जा रही है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट था। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 11.2% की पुअर सेल्स ग्रोथ दी है, तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 14,856 करोड़, पी रेशो 13.6, ROE 15.7% और डेप्ट इक्विटी 0.50 है। इसके MD CEO मिस्टर अजेंद्र अग्रवाल हैं और ये कंपनी 1995 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक पॉजिटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें FIS ने अपना स्टेक बढ़ाया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 0.57% था और फिर मार्च 2024 में FIS का स्टेक बढ़कर इसके अंदर 0.76% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 74.74%, म्यूचुअल फंड्स का 20.56%, रिटेल का 3.89%, FIS का 0.76% और DIS का 0.05% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार गिरता ही जा रहा था, पर अब इसने फिर से बढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।